नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णादास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करे उसे रखे बाकी को छोड़ दे। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 27 अक्टूबर से लेके 2 नवम्बर तक देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पोर्शन की करंट एनर्जी। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एम्परर का कार्ड। एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपके जो पर्सन है फिलहाल जो है करंटली जो है उनके सर पे बहुत सारा बर्डन है, जिम्मेदारी का, काम का, पैसे कमाने, रिश्ते सही करना है, पैसे कमाना है, घर चलाना है, चीजों को सही करना है। कहीं उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, वहां से सही वक्त पर सही पैसे मिल जाए उसका भी इंतजार है। साथ ही साथ उनके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारी का बर्डन है। फिलहाल जो रिश्ते में जो सोच उनको लगाना चाहिए वो उतना सोच रिश्ते के लिए नहीं दे रहा है, अपनी जिम्मेदारी निभाने में ये बहुत ज्यादा बिजी हैं। ऐसा नहीं कि रिश्ते को पूरा भूल चुका है, ये कभी कभी रेस्टलेस हो जाते हैं, कभी कभी उनको लगता है कि चले जाए बात कर ले, फिर से उनको याद आ जाता है कि आप कभी भी कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी सोचने लग जाते हो, कुछ भी डिमांड करने लग जाते हो कि अभी घूमने चले, अभी ये चीज़ चाहिए मुझे। तो इन चीज़ों से भी ये कुछ परेशान है, इसके लिए पैसे चाहिए होता है। तो अभी उनको पता है कि जो ग्रोथ, जो सक्सेस, जो अबंडेंट है वो आना है, उसके लिए उन्होंने मेहनत किया है, उसका परिणाम उनको मिल जाए, जिसकी वजह से ये अपने स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। काम तो कर रहा है, उनको पता है रिश्ते में भी इनको मेहनत करना पड़ेगा, रिश्ता सही करने के लिए और पैसे कमाने के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों में ये अभी खुद के जो सोच है, जो दिमाग है उसे इन्वॉल्व कर रहा है, खास करके पैसे कमाने में। अभी हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है सेजिटेरियस, और ये एक सही डिसीजन लेना चाहेंगे, लेकिन जब उनको लगेगा कि ये पूरी तरीके से तैयार है डिसीजन लेने के लिए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है सेजिटेरियस। यार आज तो जस्टिस के कार्ड सारे रीडिंग्स में आ रहे हैं, क्या बात है। जस्टिस, आपको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ जस्टिस होनी चाहिए। देख लेते हैं जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करके।
जस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मुझे लगता है आपको लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया है, अपमानित किया है, नीचा दिखाया है, आपकी ईगो को हर्ट किया है। तो अभी आप खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हो, आप अपने पैरों पे आप भी खड़ा होना चाहते हो, ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो अपनी लाइफ में, नया कुछ करना चाहते हो, स्टेबल होना चाहते हो। जब तक आप पूरी तरीके से अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाओ, स्टेबल ना हो जाओ, हो सकता है आप स्टेबल हो, आपके पास पैसे हैं, लेकिन आप उसको और इनहांस करना चाहते हो, और तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको लगता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया है, बहुत ज़्यादा अपमानित किया है, आपकी ईगो को हर्ट किया है, आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया है। तो अभी आपको अपने लिए जस्टिस की डिमांड है, वो भी यूनिवर्स के सामने। और आप नया तो कुछ करना चाहते हो, जरूरत पड़े तो किसी नए के साथ भी आप दोस्ती करना चाहोगे, लेकिन अभी आप इस एनर्जी में नहीं हो कि आप उनके साथ कोई भी बात करो। देख लेते हैं आपके पर्सन आगे चल के क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का मामला तो बहुत तगड़ा है दोनों की तरफ से। पैसे जरूरी है इस रिश्ते के लिए और स्टेबिलिटी भी। देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आगे चल के इनकी जो एनर्जी होगी वो सही हो जाएंगे धीरे धीरे। बॉटम ऑफ द डेक में टेन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, क्योंकि ये मेहनत उसी लिए कर रहा है कि रिश्ते में जो चाहिए वो दे पाए। अभी मैंने कहा कि उनको पता था कि रिश्ते में मेहनत करनी पड़ेगी, रिश्ते में भी मेहनत करना पड़ेगा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी काम करनी पड़ेगी, तो ये दोनों चीज़ें कर रहा था। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे द हायरोफंट, एस ऑफ वांड्स एंड सिक्स ऑफ वांड्स के साथ। डेफिनेटली ये आपके साथ शादी, परिवार, रिश्ते, बच्चे, फैमिली, ये सब कुछ चाहते हैं। बंदा या बंदी थोड़ा अटेंशन सीकर है, लेकिन कोई बात नहीं, ये पूरी तरीके से एक्सटेबल ऑफर के साथ आपके तरफ आना चाहेंगे, ये एक्शन लेंगे आपके साथ ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने के बारे में, ये आगे चल के सोचेंगे। जिन लोगों का शादी नहीं हुआ है ये शादी के ऑफर देंगे, जो ऑलरेडी शादीशुदा है वो उस शादी को और स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में पैसों की वजह से प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन आपको जस्टिस किस वजह से चाहिए, आप नई शुरुआत तो करना ही चाहते हो और अपने पैरों पर भी खड़ा होना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ह्यूमिलिएट किया गया, अपमानित किया गया, बहुत सारी चीज़ों से आपको परेशान किया गया, लेकिन आपके जो पर्सन हैं उनकी सोच पूरी तरीके से आपसे विपरीत है। आगे चल के वो सोच रहे हैं कि रिश्ते में स्टेबिलिटी दिया जाए, शादी किया जाए, परिवार बनाया जाए, बच्चे, शादी, रिश्ते, परिवार, इन चीज़ों के बारे में सोच रहा है, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं आपके आगे चल के एनर्जी कैसा रहेगा। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा।
किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पेज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। अच्छा, आगे चल के जो आपकी एनर्जी रहेगी, आप फोर ऑफ कप्स को क्लियरिफाई करेंगे, हम क्लियर करेंगे हम फोर ऑफ कप्स को। पेज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये सही बात है कि आपको हर्ड टू हर्ड कम्युनिकेशन चाहिए, आप बहुत सारी बात करना चाहोगे एक दूसरे के साथ, जो चीज़ें क्लियर नहीं है उसे क्लियर करना चाहोगे। कुछ लोग स्टॉकिंग के एनर्जी में भी हैं, ऑनलाइन स्टॉकिंग भी करेंगे आगे चल के कि ये क्या कर रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, क्यों डिसीजन लेने में इतना देर कर रहा है, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। आप अपनी एनर्जी में रहोगे क्योंकि आपको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, ऐसी आपकी सोच डे बाई डे ये होता जाएगा, ये हो भी रहा है। साथ ही साथ आपको ये लगेगा कि जो कहा नहीं है, जो ये बोल नहीं पा रहे हैं, जो इतना ये वक्त लगा रहा है, उस वक्त को हमें कम करना है, क्योंकि क्लियर बातें नहीं हो रहा, इसकी वजह से आप थोड़ा डिससैटिस्फाइड रह सकते हो। जितनी बातें आपको जाननी थी, जितनी चीज़ें आपको बोलना था, शायद वो नहीं बोल पा रहे हो, इसकी वजह से आप थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड डिससैटिस्फाइड रह सकते हो। लेकिन धीरे धीरे आप चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करोगे, चाहे डिजिटली, खास करके डिजिटल कम्युनिकेशन के माध्यम से आप चीज़ों को क्लियर करोगे। आप दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बारे में सोच सकते हो, लेकिन पहले आपको क्लैरिटी चाहिए होगी रिश्ते के बारे में। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी पूरी तरीके से, आप कोई भी डिसीजन नहीं लोगे, आप अपने आप में रहोगे, क्योंकि आप बिना क्लैरिटी के डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हो। आपको पता नहीं है ना कि ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, आपको लग रहा है कि इन्होंने मुझे ह्यूमिलिएट किया है, मुझे अपमानित किया है, मुझे मेरी ईगो को हर्ट किया है। तो उस बात को आप जब तक क्लियर नहीं कर पाओगे, तब तक आप कोई डिसीजन नहीं लोगे, और उसको क्लियर करने के लिए आप कम्युनिकेशन करोगे उनके साथ, या फिर आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करोगे, और ये बंदा या बंदी आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा भी, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आउटकम। अरे यार, फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटाकल्स, द हर्मिट। रिश्ते में थोड़ी सी वाद विवाद होगी, पहले थोड़ी सी लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, वाद विवाद होगा, मेंटल कन्फ्लिक्ट होगी, फिर बाद में जो लोग पुराने रिश्ते में हैं, जो शादीशुदा बंदा या बंदी हैं, उन लोगों की रिश्ते में पैचअप होगी, क्लैरिटी आएगी। मेहनत से जिन्होंने रिश्ते को सींचा है, मेहनत करने वाला जो बंदा है, जो रिश्ते के लिए भी मेहनत कर रहा था, परिवार के लिए भी, उनके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। कुछ लोगों को इस वाद विवाद से फिर से प्रॉब्लम होगी, वो मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे। कुछ लोगों की रिश्ते में स्टकनेस आ जाएगा, रुक जाएगा रिश्ता, क्योंकि वो लोग ना सेक्रीफाइस करेंगे, ना कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ना रुकेंगे, ना जाएंगे, वो ऐसे होंगे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोलना। जो बोलेंगे, अगर आप बोलोगे दिल खोल के, क्योंकि बोलने के लिए बोला जा रहा है, यूनिवर्स संकेत दे रहा है, कार्ड्स आ रहे हैं कि आपको खुल के बोलना चाहिए। अगर आपको मिलना संभव नहीं हो रहा है तो आप डिजिटल कम्युनिकेट करो, लेकिन करो। लेकिन अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो क्या करोगे, स्टकनेस में चला जाएगा रिश्ता। जो बोलेगा, बोलने से थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा होगी, जो रुकना है रुकेंगे, जो नहीं रुकना है वो चले जाएंगे,
लेकिन जिनको रुकना है वो तो जरूर रुकेंगे, पारिवारिक संबंध में बंधेंगे, क्लियर करेंगे बात करके चीजों को। तो ये आप डिसाइड करो कि आप लोगों की रिश्ते कैसे हैं और आप किस कैटेगरी में आते हो। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। ये लो, रोमांस, सक्सेस एंड हेल्पफुल पीपल। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको रोमांस करना चाहिए। मैंने कहा जो लोग बात करके सेटिस्फाइड हो जाएंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएगी, माइंड क्लियर हो जाएगा, वो लोग प्यार में आ जाएंगे, पारिवारिक संबंध में आ जाएंगे, मेहनत करके रिश्ते को सींचेंगे, फिर से एक हो जाएंगे। जो लोग सक्सेस के लिए दौड़ रहे थे रिश्ते में, उनको सक्सेस मिलेंगे। लेकिन जो लोग बात ही नहीं करेंगे, जो लोग चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, जो लोग एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तो क्या होगा? तो अगर आप बात करते हो तो प्यार बढ़ेगा, रोमांस मिलेगी आपको, प्यार मिलेगी, सक्सेस मिलेगी और हेल्पफुल पीपल। आपको किसी की मदद लेनी चाहिए, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, जो आपको मदद कर सकता है ऐसी स्थिति में। अगर आपने ये सोच के रखा यार मेरे रिश्ते में कोई कुछ नहीं कर सकता, गलत। आप ऐसे किसी दोस्त से बात करें, रिश्तेदार से बात करें, जो आप दोनों को जानते हैं, जो आपको मदद कर सकता है। कोई लोगों को, कुछ लोगों को नया प्यार भी मिल सकता है आप लोगों की फ्रेंड सर्कल में, जिनके बारे में आपने सोचा भी ना होगा कि ये मुझसे प्यार कर सकता है, वो आपको प्यार भी कर सकता है। तो आपको रोमांस भी मिलने जा रहा है, जिस रोमांस के बारे में, जिस प्यार के लिए आप तरस रहे थे, वैसा कोई प्यार करने वाला भी आपको मिल सकता है। अगर आप पुराने रिश्ते में ही प्यार को ढूंढ रहे थे, तो आपको थोड़ा सा आगे चल के दोस्ती का हाथ बढ़ाना है और रिश्ता सही करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं अपने वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।